मनुष्य का स्वभाव है कि वो स्वयं को, अपने परिवार को, अपनी संतानों को अधिकतम सुख प्राप्त हो ऐसी इच्छा रखता है। इसी कारण से हम सदा श्रम और कष्ट से अंतर रखते हैं, विश्राम और सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। स्वयं अपने जीवन का विचार कीजिए, क्या ये सत्य नहीं कि हम अपनी संतानों के लिए सदा ही विश्राम और सुविधा का आयोजन करते हैं? पर क्या कभी सोचा है केवल विश्राम से क्या लाभ प्राप्त होता है? केवल सुख और सुविधा जिन्हें प्राप्त हो उनका जीवन कैसा होता है? शरीर जब श्रम करता है तो अधिक स्वस्थ बनता है, बुद्धि भी जब कठिन चुनौतियों का सामना करती है तो अधिक तेजस्वी बनती है। ये हम सबका अनुभव है, पर हम शायद ये भूल जाते हैं कि मन और आत्मा को जब कठिनाइयां प्राप्त होती हैं, तब वे भी अधिक बलवान होती हैं। अर्थात जब भी हम अपनी संतानों को श्रम और दुख से दूर रखने का प्रयास करते हैं, क्या वास्तव में उनके सुख का मार्ग बंद नहीं कर देते? स्वयं विचार कीजिए।